स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से रिलेटेड है। जो भी लोग 2023-24 के सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में एडमिशन लिए हैं, चाहे उनका कोर्स चिकित्सा हो, डेंटल है, फार्मेसी है या फिर BSc नर्सिंग है, होम्योपैथी है, तो दोस्तों उन सारे लोग का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें, चाहे आप UG में हो या फिर PG कर रहे हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन है बुक करना होगा। इसके लिए वेबसाइट पे एक चाणक्य पोर्टल है, वो लॉन्च किया गया है और उसी पे आपको 25 जनवरी से शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको पोर्टल पे ही ऑनलाइन पेमेंट करना है और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में फॉर्म को जमा करना होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल जमा करना है। उसके बाद 10th का आपको जो सर्टिफिकेट था उसका फोटोकॉपी है वो जमा करना है। इसके बाद में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद आपको SLC या फिर CLC है उसका फोटोकॉपी है वो होना चाहिए। एडमिशन हुआ था उस समय का जो एडमिशन लेटर आपको मिला होगा उसका फोटोकॉपी है वो होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ कॉलेज में जमा करना होगा। उसके बाद हम फी के बारे में बात करें तो आपको फी है वो 2850 रुपया देना होगा अगर आप विदाउट लेट फाइन के साथ भरते हैं तो। अगर आप लेट फाइन के साथ भरेंगे तो आपको 4050 रुपये देना होगा। आपको बता दें जो डेट रखा गया है वो आप देख सकते हैं, आपका 10 फरवरी तक ही डेट रखा गया है। उसके बाद में लास्ट डेट है वो 16 फरवरी है, लेकिन इसमें आपको लेट फाइन के साथ दिया गया है। यूनिवर्सिटी में जमा करने का लास्ट डेट रखा गया है लेट विदाउट लेट फाइन, तो आपको बता दें 15 फरवरी तक है और लेट फाइन के साथ आपको 21 फरवरी तक जमा करने का डेट दिया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करना है। जो भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे आना है। तो यहाँ पे आप देखिए एक लिंक है वो डिस्प्ले हो रहा होगा चाणक्य का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, इसका नाम चाणक्य साइट दिया गया है और यहाँ पे आपको 3 तरह के लॉगिन करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। आपको लास्ट वाले स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा वगैरह डालने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, क्योंकि आपका अकाउंट बना नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको गेट ओटीपी करना है। दोस्तों जैसे ही आप गेट ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डाल करके आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा उसके बाद में नीचे आपको आधार नंबर है वो डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा, आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल होगा इस तरह का यहाँ पे मैसेज है वो शो कर देगा। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड है वो भी यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, इसको ओके कर देना है। तो अब जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे गया है उसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो देखिए तो यहाँ पे फोटो का साइज बताया गया है उसका है जो 50 KB से कम होना चाहिए, फोटो आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो सिग्नेचर होगा उसका भी साइज है वो 50 KB से कम होना चाहिए। जब भी आप अपना डिटेल फिलअप करेंगे उसको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है ताकि वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। आपको जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो मिल जाएगा, उसको अपने साथ रखना है। जो भी पेमेंट रिसिप्ट है उसे भी आपको अपने साथ रखना है। तो यहाँ कॉर्नर में आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो दिख रहा होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नीचे में आपको दिखाएगा अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद में आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए बोला जाएगा, जो पासवर्ड आपका आया है मैसेज उसको यहाँ पे डाल दीजिए। आप एक न्यू पासवर्ड है वो यहाँ से जनरेट कर ले। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ चेंज पासवर्ड करोगे तो आपका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह का मैसेज है वो लिख देगा पासवर्ड सक्सेसफुल्ली चेंज। आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपने न्यू पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से अप्लाई कर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाए। दोस्तों फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आप किस कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप फार्मेसी के लिए करोगे तो आप फार्मेसी सिलेक्ट करना, नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो नर्सिंग सिलेक्ट करना। उसके बाद में पारामेडिकल का कोई कोर्स है तो पारामेडिकल, यूनानी, आयुर्वेदिक जो भी जिसका है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। दोस्तों मैं अभी नर्सिंग के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नर्सिंग सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपका यूजी लेवल के लिए बीएससी नर्सिंग है या फिर एमएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तो आपका जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में कॉलेज का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा कॉलेज में एडमिशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले, आपका सारा कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे शो करने लगेगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ईयर है वो 2023 सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है उसका डेट यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको एडमिशन का कोटा पूछ रहा है, तो अगर आप इसमें किसी तरह का कोटा आपका है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे अदर्स है वो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद एडमिशन का यहाँ पे सेशन है वो 23-24 रहने दें, कॉलेज का जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर दें। नीचे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में जो डेट दिया गया है उस डेट को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका पे प्रीवियस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, अगर आप 12th किए हैं तो 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम पूछ रहा है, तो अगर आप बिहार बोर्ड के थे तो आप बिहार बोर्ड यहाँ नाम दे दीजिए, सीबीएसई से थे तो सीबीएसई का देना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस पूछ रहा है यानी कि इससे पहले वाला, इससे पहले आपका जो भी कोर्स था उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपका सीएलसी का नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए, और सीएलसी आपको कब इशू किया गया है उसका डेट यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। प्रीवियस कॉलेज का नाम देना है, इससे पहले आप कहाँ पढ़ रहे थे उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। माइग्रेशन डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम फुल है इंग्लिश में लिख देना है कैपिटल लेटर का यूज करके। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है, जिसका जो कैटेगरी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। बाद में अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप यस नो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको इंडियन रखना है दोस्तों। नीचे में आपको एड्रेस है वो फिलअप करना है, परमानेंट एड्रेस आपको विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन इस तरह से आपको दे देना है। यहाँ पे आपको कंट्री अपना सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम है इस पे टिक लगा देंगे तो नीचे भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेकेंड स्टेप में आपको 10th और 12th का सारा डिटेल है वो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको बता दें आप अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप 10th है वो बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आप इसे बीएससीबी पटना लिख सकते हो। उसके बाद में 12th भी बीएससीबी से पास किए हैं तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपका जो स्कूल का नाम था वो आपको यहाँ पे दे देना है, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद में आपका ईयर ऑफ पासिंग किस साल आप पास किए हैं वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका परसेंटेज या सीजीपीए जितना था वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे मार्कशीट है वो अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे 10th और 12th दोनों को अपलोड करना है। उसके बाद में जो पीजी कर रहे होंगे उनको ग्रेजुएशन वाला भी अपलोड करना होगा। यूजी कोर्स में एडमिशन लिए हैं उनको बस 10th और 12th का ही अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट और डिटेल सारा फिलअप हो जाए उसके बाद में आपको नीचे सेव है नेक्स्ट करना है। थर्ड स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो आपको बता दें फोटो का साइज 50 KB ही रखना है, और आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर है वो फाइल सिलेक्ट करके अपलोड करना होता है। तो फोटो आपका क्लियर होना चाहिए और सिग्नेचर भी है वो भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जब ये अपलोड हो जाए तो नीचे भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है, फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आपको पेमेंट वाले सेक्शन में आना है। पेमेंट पे आपको सारा डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करने लगेगा, आपको कितना अमाउंट है वो पे करना है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप चाहते हैं एक बार प्रीव्यू करना तो आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जा करके आप अपना फॉर्म का डिटेल है वो देख सकते हैं। दोस्तों प्रीव्यू के लिए इस तरह का फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा, आपने जो जो डिटेल फिलअप किया है वो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आप चाहते हैं तो एक बार अच्छे से मैच कर लें, अगर कोई गलत है तो उसे सही कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपका सही नहीं हो सकता है। दोस्तों प्रीव्यू के बाद आपको यहाँ पे नाउ एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपका पेमेंट है वो हो सके। तो इसके बाद में आपको नाउ पे क्लिक करके आपका जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जैसे भी आप पेमेंट करते हैं वो आप पेमेंट है वो अपना कर ले। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। इस फॉर्म को लेकर के आपको कॉलेज में जाना है प्रिंट करवाने के बाद, और वहां पे जाकर के सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने का पूरी प्रोसेस है, और आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं इस तरह से। अगर कि नहीं वो कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। थैंक यू।